है गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेलीग्राम में पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। टेलीग्राम पीडीएफ नॉट ओपनिंग, मतलब टेलीग्राम में आपको पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। तो गाइस, आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हो, वो पूरी इन्फॉर्मेशन पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, पूरा एक्सप्लेन करके आपको मैं बताने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, यहां पर जैसे कि आपको टेलीग्राम में पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है। तो गाइस, यहां पर आपको सबसे पहले बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहां पर जैसे कि मैं टेलीग्राम ओपन करता हूं, कोई सभी पीडीएफ है तो गाइस ओपन नहीं हो रहा है। तो गाइस, यहां पर आपको क्या करना है, यहां से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहां पर आपको मतलब कि इस तरीके से मतलब कि मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। तो गाइस, यहाँ पर छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है टेलीग्राम। टेलीग्राम लिख देना है यहाँ पर, टेलीग्राम लिख देना है। टेलीग्राम लिख देने के बाद सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो गाइज, यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा आपको। तो गाइज, यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है। तो गाइज, सबसे पहले इसे अपडेट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर लॉन्ग प्रेस किए रहना है। किए रहने के बाद यहाँ पर आपको ऐप लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉरेस्ट स्टॉप कर देना है। फॉरेस्ट स्टॉप करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाना है। स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर क्लियर कैचे कर देना है। क्लियर कैचे कर देने के बाद क्लियर डाटा कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर क्लियर डाटा आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर परमिशन वाले ऑप्शन में जाना है और सभी की अलाउ परमिशन कर देनी है। और गाइस, यहाँ पर आपको बैक आ जाना है, पूरा बैक आ जाना है। फिर बाद में आपको पीडीएफ ओपन करके देखना है, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। इंटरनेट चेक कर लेना है एक बार, मोबाइल को रिस्टार्ट मतलब कि रिबूट कर सकते हो, मतलब स्विच ऑफ करके वापस ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, वीडियो नॉलेज को लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।